करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है हाल फिलहाल में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें कवर करेंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें खेल जगत की जो है दुनिया से कुछ महत्वपूर्ण जो है खबरों को हम इसमें शामिल करते हैं, जो कि खबरें विराट कोहली और मिताली राज से जो है होकर के आई है। विराट कोहली एवं मिताली राज, ये दोनों ऐसे नाम हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। और सबसे मजे की बात है कि दोनों ही जो है पुरुष और महिला क्रिकेट टीम के जो है अपने अपने जो है संस्करणों में कप्तान भी हैं। विराट कोहली की तरफ से ये न्यूज आई है कि आईपीएल में जो है आईपीएल में किसी भी जो है खिलाड़ी के द्वारा 200 मैच खेला जाने का जो खिताब पहली बार जो विराट कोहली के नाम हुआ है, यानी कि आईपीएल में 200 मैच जो है अब तक विराट कोहली के द्वारा खेला गया है। तो इससे संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। विराट कोहली से संबंधित है तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यानी कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो आईपीएल में 200 मैच जो है अब तक खेल चुका है, तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है, विराट कोहली। और दूसरी तरफ मिताली राज के लिए ये न्यूज आई है कि यह प्रथम श्रेणी मैचों में 20,000 प्रथम श्रेणी मैचों में 20,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी हो चुकी हैं। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। यद्यपि यह जो 20,000 रन बनाने का जो है एक कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है खेल जगत और क्रिकेट जगत की दुनिया में, वह क्रिकेट के जो है तीनों संस्करणों को जो है मिला करके जो है सभी संस्करणों के प्रथम श्रेणी के जो मैचों को मिला करके है। और इसी बीच जो है आईसीसी के द्वारा महिला बल्लेबाजों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मिताली राज को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये भारत की महिला टीम के साथ साथ मिताली राज के लिए भी एक महत्वपूर्ण न्यूज है, जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नाम के जो है साथ साथ भारत का नाम भी वैश्विक स्तर पर रोशन किया है। तो ये खेल जगत से दोनों ही जो है न्यूज अपने आप में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो है साथ कुछ कार्यक्रम और चीजें भी जो है महत्वपूर्ण है। ई संजीवनी, ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी भारत के जो है तरफ से संचालित किए जाने वाला एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। और कोविड-19 के दौर में जो है इस सेवा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें लोगों के द्वारा जो विभिन्न अस्पतालों में पहुंचने की जो संभावनाएं थी वो कम हो गई। ऐसी स्थिति में जो है देखा जाए तो ई संजीवनी का जो एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा के रूप में प्रारंभ किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो है चिकित्सकीय परामर्श जो है प्रदान किए जाते हैं। और हाल में जो है यह इसलिए भी जो है चर्चा का विषय रहा कि यह जो है सबसे बड़ा जो है दूरस्थ चिकित्सकीय जो है सेवा प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया। और इसके द्वारा 1.2 करोड़ जो है चिकित्सकीय परामर्श जो है दिए गए हैं। तो इस तरीके से ई संजीवनी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है दूरस्थ जो है स्तर पर लोगों को चिकित्सकीय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है ई संजीवनी। इलेक्ट्रॉनिक पार्क अभी हाल में ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की गई है। और यह किसके द्वारा की गई है? जाहिर सी बात है कि यूपी के द्वारा किया जाएगा। तो यूपी के द्वारा क्या स्थापित किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक पार्क। और यह कहां पे स्थापित किया गया है? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की जो है स्थापना किया गया है। इसके साथ में अभी हाल में ही वह कौन सा देश है जिसने जो है अंतरिक्ष में जो है कार्गो मिशन को जो है भेजा है? कार्गो मिशन को भेजने वाला अभी हाल में ही जो है कौन सा देश है जिसने अंतरिक्ष में कार्गो मिशन को भेजा है? तो वह देश का नाम है चाइना। निश्चित तौर पर अंतरिक्ष या विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर कोई विकास किया जाता है तो उसमें जो है अमेरिका, रूस, चाइना, जापान और भारत
का नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप में जो है जाना जाता है। तो इसमें कार्गो मिशन को भी हाल में अंतरिक्ष में भेजने वाला देश चाइना है, और चाइना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रगति को जो है लेकर के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना और देखना आप लोगों के लिए जो है जरूरी है। ग्लोबल अगला जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को जो है 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये ग्लोबल इनोवेशन का मतलब यह है कि नवाचार, और यह इंडेक्स जो है विश्व संपदा जो है संगठन के द्वारा जारी किए जाते हैं। विश्व संपदा संगठन के द्वारा हाल फिलहाल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत को 46वां स्थान प्राप्त किया गया है। कार्गो मिशन चाइना के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पार्क यूपी में, और ई संजीवनी यह एक जो है राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन जो है सेवा है, जो हाल में सबसे ज्यादा लोगों तक जो है दूरस्थ स्तर पर चिकित्सकीय सेवा प्रदान करने के कारण से हाल फिलहाल में जो है चर्चा का जो है विषय बना था। इसलिए ये भी पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगला जो है प्रश्न, इसमें जो है एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की भी घोषणा की गई है, और यह पुरस्कार जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है दिए जाने के कारण से जो है चर्चा में रहा, और यह पुरस्कार एसबी सारस्वत को दिया गया है। एसबी सरस्वती, एसबी सरस्वती को जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है, तो इसलिए यह जो है अभी हाल फिलहाल में जो है ये चर्चा के रूप में जो है जाना जाता है। समुद्र शक्ति मिशन के अंतर्गत समुद्र शक्ति में कौन कौन से दो देश शामिल है यही केवल जानना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है इंडिया और इंडोनेशिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया, यानी कि ये दोनों देश जो है समुद्र शक्ति में जो है सम्मिलित है। इंडोनेशिया भारत में अगर देखा जाए तो समुद्री स्तर पर भारत का जो पड़ोसी देश भी माना जा सकता है या माना जाता है। तो इस तरीके से इंडिया और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया समुद्र शक्ति जो है मिशन या कार्यक्रम में जो है शामिल है, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं कि इस कार्यक्रम में कौन कौन से, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेशन सूर्य किरण जिसमें भारत और नेपाल भाग लेते हैं, तो इस तरीके से समुद्र शक्ति है तो इंडोनेशिया और इंडिया के द्वारा इसमें जो है लिया जाता है। गोवा सरकार के द्वारा एक अभी कार्यक्रम जो है चलाया गया है आपके द्वार पर जो है सरकार कार्यक्रम जो है चलाया गया है आपके द्वार पर सरकार, आपके द्वार पर सरकार जो है गोवा, आपके द्वार पर जो सरकार गोवा के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। कई बार राज्यों से भी कुछ इस तरीके के विशिष्ट जो है घटनाक्रम होते हैं जिसको जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण माना जाता है, परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर यह सवाल भी जो बन सकता है कि गोवा के द्वारा आपके द्वार पर सरकार कार्यक्रम बनाया प्रारंभ जो है किया गया है, तो इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण बनता है। अगला है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, चूंकि यह जो है हिमालय जैसे क्षेत्रों से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहला संस्करण है इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हिमालय कोई क्षेत्र होगा वहीं पर आयोजित किया जा सकता है, तो यह जो है लद्दाख में जो है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण वो लद्दाख में जो है आयोजित किया जा रहा है। तो ये कुछ थी डेली न्यूज और करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो है खबरें न्यूज और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कार्यक्रम जो आके आपके परीक्षा में जो पूछे जा सकते हैं, इसीलिए जो है इसको संकलित करके आप लोगों तक जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण प्रगति आपके लिए जो है होगी, और परीक्षा में जो है आपके हाथ मजबूत होंगे, और इससे आपको परीक्षा को फतह करने में जो है आसानी होगी। तो आज के लेक्चर में इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ पुनः अगले लेक्चर में हम फिर से जो है कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में जो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।